गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इन ऑर्डर टू मेक द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट इजी, इन 1842 जर्मन साइंटिस्ट किरचॉफ गेव टू लॉस। दिस लॉ आर नोन एज किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। नंबर वन, फर्स्ट लॉ और करेंट लॉ, करेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन ए सर्किट विल बी इक्वल जीरो, दैट इज समेशन आई विल बी इक्वल, समेशन आई इक्वल क्या हो, इक्वल जीरो। सपोज एट पॉइंट ओ इनकमिंग करंट I1, I2, I3 एंड आउटगोइंग करंट I4, I5 देन बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 will be equal zero. That is I1 plus I2 plus I3 equal I4 plus I5. This is the Kirchhoff first law. एक बार फिर से समझिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की स्टडी को इजी बनाने के लिए किरचॉफ ने दो लॉ दिया। नंबर फर्स्ट था करंट लॉ। करंट लॉ क्या था कि द टोटल सम ऑफ अल्जेब्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, एनी जंक्शन मीन्स किसी भी पॉइंट पर टोटल जो करंट आता है उसकी वैल्यू समेशन आई विल बी इक्वल क्या होता है, जीरो। टोटल करंट क्या होता है, जीरो। इसका मीन्स है कि जो इनकमिंग करंट है आर टेकन पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट आर टेकन एज निगेटिव। मान लीजिए I1, I2, I3 थ्री ब्रांच से करंट इनकमिंग है तो ये साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। I4 एंड I5 क्या होगा, निगेटिव होगा। और टोटल करंट विल बी इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 विल बी इक्वल जीरो। दैट इज टोटल सम ऑफ करंट इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टोटल करंट आउटगोइंग। ओके, सेकंड नंबर किरचॉफ सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था, करंट लॉ। सेकंड है किरचॉफ सेकंड लॉ, इसी को वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, दैट इज समेशन आई आर विल बी इक्वल समेशन ई। सेकेंड लॉ होता है समेशन आई आर विल बी इक्वल समेशन ई। इन एनी क्लोज्ड सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, टोटल ईएमएफ प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज समेशन आई आर विल बी इक्वल समेशन ई। इलेक्ट्रिकल सर्किट से देखते हैं, इसको समझ लीजिए। रेजिस्टेंस आर वन, करेंट आई वन, ई वन, सेकेंड सेल लगा है ई टू, रेजिस्टेंस आर टू, करेंट आई टू एंड थर्ड रेजिस्टेंस आर, करेंट आई वन प्लस आई टू।
ये डायरेक्शन है करंट का, इस तरह का डायरेक्शन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। आप देखिए इन सर्किट ए बी ई एफ, ए कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट ए बी ई एफ ए। अब इसमें देखिए ई वन एंड ई टू अपोजिट हैं, ई वन का पॉजिटिव हिस्सा है और इधर देखिए तो ये हो जाएगा ई वन माइनस ई टू इक्वल। अब देखिए यहां से कि आई टू आर टू माइनस आई वन आर वन, या टोटल वैल्यू कर सकते हैं तो टोटल वैल्यू इक्वल क्या कर देंगे, ई वन माइनस इसकी टोटल जो वैल्यू आएगी ई वन माइनस ई टू प्लस आई टू आर टू माइनस आई वन आर वन विल बी इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आई वन आर टू आई वन आर वन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है और ई वन माइनस ई टू विल बी इक्वल आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, इन क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट सेकेंड की बात कर रहे हैं, मीन्स कौन सा क्लोज सर्किट है, बी सी डी ई बी। अब इस सर्किट में देखिए ई टू की वैल्यू है, एक ही सेल लगा है, सेकेंड क्लोज सर्किट में एक सेल लगा है तो ई टू हो गया ई टू माइनस। अब सेकेंड करंट में देखिए आई वन प्लस आई टू, इसके करेस्पॉन्डिंग में रेजिस्टेंस क्या है, आई वन प्लस आई टू करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आर माइनस आई टू आर टू विल बी इक्वल जीरो और ई टू इक्वल आई वन प्लस आई टू आर प्लस आई टू आर टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हम आई वन आई टू की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। दिस इज किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ ने कितने लॉ दिए थे, टू लॉ दिए थे, फर्स्ट करंट लॉ और सेकेंड वोल्टेज लॉ। करंट लॉ क्या था, टोटल समेशन आई विल बी इक्वल जीरो, मीन्स सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन विल बी इक्वल जीरो। और सेकेंड वोल्टेज लॉ, समेशन आई आर इक्वल समेशन ई। थैंक यू।